श्रीकंठ महादेव जी। श्रुति स्मृति पुराणा के अनुसार देव व दानव द्वारा समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से एक कालकूट विष का विस्पान भगवान शंकर द्वारा किया गया तथा इसकी ज्वलंता को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने पंकजा और मधुमती नदी के संगम समीप पंचमणि नामक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होकर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा कैलाश लौटने से पूर्व भगवान शिव द्वारा कंठ के रूप में जन कल्याणार्थ शिवलिंग स्थापित किया गया। वर्तमान समय मंदिर में उपस्थित लिंग शिव जी द्वारा स्थापित किया गया स्वयं भू लिंग है। चारों तरफ पहाड़ पहाड़। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्ला को यहाँ से विदा किया जा रहा है। बाय गाइस, सी यू टुमारो। हम लोग आगे महादेव के पास पढ़ रहे हैं। शुक्ला जी जा रहे हैं। चलो शुक्ला जी बाय, हैप्पी जर्नी, लेट्स गो गाइस, सी यू ऑन द वे। चलो हम नीलकंठ के रास्ते निकल चुके हैं। यहाँ से 15 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी शुक्ला सर का बिल उन्होंने पे किया है बेटा, तभी पे किया हम लोग। हम लोग नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश से लगभग 21 डेढ़ घंटे का रास्ता है। हर हर महादेव। ठीक है, ये कितने का दिन है? 251 का। इसमें क्या क्या बताए थे फिर से एक बार बता दीजिए। इसमें जैसे आप मंदिर में जाएंगे, हाँ, ये जल रखा है, इस जल में अपने शहद गुलाब जल नागनागिन का जोड़ा था, इसी जल में इसी पानी में नागनागिन भी डाल देंगे। तीनों चीज जल में मिला के। ठीक है, बाकी फोटो चंदन माला डमरू प्रसाद के लिए वापस आएगा पूजन के। डमरू प्रसाद और वो ना। ठीक है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नीलकंठ हम लोग पहुंच गए हैं। मंदिर की स्तूपिका दिख रही है हमें। मंदिर इधर से होगा। हर हर महादेव। छाप से मत छूना। ठीक है, श्री नल्ड कम, चलो चलते हैं। मंदिर प्रवेश द्वार, आप मंदिर की लाइन में खड़े हैं, कृपया अपने जूते चप्पल यहीं उतारे। हर महादेव, जय शंभुनाथ जी, जय महादेव। हेलो निरंजन, हर हर गंगे, जय 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 जय। हर हर महादेव। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। श्री नीलकंठ महादेव मंदिर और फोटो खींचना मना है, तो भाई अब रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अर्चना पूजा करके निकलते हैं बाहर। हर हर महादेव। ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। आप वहां से प्रवेश करेंगे, ऐसे घूम के जाएंगे तो द्वार पे आपको शिव जी तपस्या करते हुए दिखेंगे, द्वारपाल के दोनों द्वार पे, और एक तरफ गणेश जी, फिर उधर बगल में हनुमान जी का प्रतिमा है, फिर दुर्गा माता का है, फिर आप जाएंगे तो मुख्य जो गर्भगृह है वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले संदेश वाहक नंदी जी मिलेंगे। ये कहाँ चला है? संदेश भेज दो। जी जरूर। उसके बाद मुख्य गर्भगृह है जहाँ पे मंदिर के अंदर ये पूरा स्ट्रिक्टली लिखा हुआ कि महादेव को आप जल पुष्प और क्या बोलते हैं बेलपत्र का ही चढ़ाएं, बाकी जो सारी चीज़ें हैं आप बाहर जो भी वृक्ष हैं वहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और बाहर निकाल आपको मंदिर के इस प्रांगण में जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है
प्रथम तल्ले पे पूरा वही ये समुद्र मंथन को चित्रण किया गया है, जहाँ भगवान समुद्र मंथन में मतलब 14 उत्पन्न हुए थे, जिसमें से एक हलाहल विष भी था। जब हलाहल विष उत्पन्न होता है तो मतलब सब मूर्छित होने लगते हैं, मतलब एक तरह से मतलब सारे जीव जंतु वगैरह मतलब निपटने वाले होते हैं, तो सब भगवान के चरणों में जाते हैं। भगवान फिर मतलब सहायता करते हुए वो विष का पान करते हैं, और फिर जब मतलब उनके अंदर भी वो पूरा मतलब ऊर्जा बोल लीजिए या विष का जो पूरा जलन होता है, शिव जी फिर यहाँ पे आके इस नीलकंठ महादेव मंदिर जहाँ पे है, यहाँ पे 60 वर्ष तक तपस्या करते हैं। पंचम मणि एक वृक्ष होता है उसके नीचे, फिर जब ये यहाँ जाते हैं तो शिव जी द्वारा ही मतलब उनके तपस्या से ही जो शिवलिंग स्वयंभू स्थापित यहाँ मतलब हुआ था, वही शिवलिंग यहाँ पे है इस मंदिर पे। इसलिए नीलकंठ तो वही है, क्योंकि उन्होंने विष को अपने गले में आके रोका हुआ है, तो उस विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया, तो नीलकंठ कहते हैं। जय नीलकंठ महादेव, जय नीलकंठ महादेव, जय नीलकंठ महादेव, जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर अपना बाकी जो जल बचा हुआ जो आपका शहद है वगैरह वो चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना शहद चढ़ा दिया, अपना काल दोष हटाने के लिए वो नाग नागिन को चढ़ा दिया गया, और एक और गंगा जल था उसको चढ़ा दिया गया है। माफ कीजिएगा, धूप बत्ती बनाया जा रहा है लास्ट में चढ़ाने के लिए, फिर यहाँ से चला जाएगा ना। जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जला लूंगा मैं, हर हर महादेव। अच्छा लगा, काफी अच्छा था। अच्छा चलो जाते जाते भी मजा आई, इधर बजेगा। हाँ नहीं बज रहा ना, मैं ट्राई कर लिया, कोई बसता कोई नहीं बसता। नीलकंठ महादेव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बाय गाइस, सी यू ऑन द वे। महादेव से उतर के खाना वाना खाया जा रहा है यहाँ पे, खाना वाना खा के दिल्ली का एटीए बता रहा है 9:30 बजे। 9:20 हाँ, एक दाल फ्राई, एक पनीर कढ़ाई, कढ़ाई पनीर और रोटी चावल मंगाया गया है, बस काम चलेगा। अरे बाप रे बाप, मजा मर अच्छा लगा नीलकंठ महादेव जाके। अब मेरठ बाईपास की तरफ बढ़ रहे हैं, पहुंचेंगे लगभग 10 बजे दिल्ली। ये लास्ट टोल है, क्योंकि मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का भी टोल शायद ऑपरेसिव फंक्शनल नहीं हुआ है, आते समय शायद टोल तो नहीं कटा था, तो टोटल 3 टोल पड़े हैं इसको मिला के। दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेसवे का टोल है, देखिए अभी टोल फ्री है, टोल फ्री मतलब अभी फंक्शनल ही नहीं है तो फ्री क्या। इतना गलती है मेरा निकालता है ना, इतने में तो मुझे फांसी जाओगे कौन, अगर ये जज होता ना तब तक जा तू जा टूटा जाएगा, ये है कौन, है कौन, है कौन, ये कहाँ है, इसको ले आओ और फिर इसको फेवरेट डालो ना, कि डॉन को 11 देश की पुलिस नहीं पढ़ पाई, तो आज तक 7 राज्यों की पुलिस नहीं पढ़ पाई। दिल्ली में प्रवेश कर गए हैं, न्यू अशोक नगर दोस्तों पहुंच गए हैं।
काफ़ी मज़ेदार ट्रिप था, काफ़ी हेक्टिक था। हम लोग हेक्टिक ट्रिप ही मारते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम और दूरी नापने के लिए ज़्यादा होती है। सारा सामान इस गाड़ी से ट्रांसफ़र कर लिया गया अपने डिक्की में, इसको बंद किया जाए। अब अलविदा का समय हो गया है। अलविदा भाई। अलविदा साहब। कौन करते हैं? सुजी सुमित कहीं बतिया रहे हैं। चलो भाई, चलो कहीं बतिया पड़ा है, हम निकलते हैं अपने घर के लिए। बज गया है रात के 10:30। चाहे 10 तो आराम से हो गए हैं। 9:58 हुआ। सी यू बाय। अरे अंग्रेज चलो, नहीं तो वहाँ पेट बंद है, जल्दी चलो। ठीक है, सी यू सी यू। हस्ता ला विस्ता, सब मिलते हैं। ओके, इसका गाइस सब्सक्राइब द चैनल। सही बोल रहे हो। और तुम भी जाओ, भगवान करे तुम घर पे जाकर मारो आराम से। चलो बाय गाइस, अशोक नगर पहुँच गए अब। चलो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ दोस्तों। घर अब 11 बज गया। इस तरह से 5 दिवसीय बहुत सारे ट्रैवलिंग, शादी जो था, ये सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्लेसेस, यहाँ तक कि बंजिंग जंप, इतना थक गया कि बोला भी नहीं जा रहा। बंजी जंपिंग भी मैंने कर लिया, मतलब वो मेरे लिस्ट में था। तो भूत बन गए हैं गाड़ी चला चला के, ऊंचाई से निचाई, निचाई से ऊंचाई, झंथल, मतलब मजा भी तो यही है ट्रिप का। तो चलिए अभी वाला ट्रिप का यहीं पे समाप्ति करते हैं, फिर आगे यदि कहीं घूमने चलते हैं तो मिलेंगे आपसे, रूबरू होंगे। चलिए सी यू, बाय दोस्तों।